जिंदगी में सब कुछ हासिल करने की इच्छा किसकी नहीं होती, सबसे आगे रहने की इच्छा किसकी नहीं होती, पैसा कौन नहीं कमाना चाहता, नाम किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि आपका नाम सबसे लास्ट में हो, उस लिस्ट में जिस लिस्ट का नाम है हार मानने वाले लोग। अगर आज मैं 100 बंदों को कहूँ कि कल से सुबह 4 बजे उठना है और वो 100 के 100 बंदे अभी एग्री भी हो जाएं, तो कल सुबह पता है क्या होगा, 100 में से सिर्फ 80 लोग ही उठेंगे। परसों क्या होगा, 80 में से सिर्फ 50 लोग ही उठेंगे। तीसरे दिन क्या होगा, 50 में से सिर्फ 20 लोग ही उठेंगे। चौथे दिन 10 उठेंगे, 5वें दिन 5 उठेंगे, 6ठे दिन 2 उठेंगे। लेकिन 100 में से जो आखिरी बंदा है, जो उस लिस्ट का 1% है, वो उस काम को नहीं छोड़ेगा जो टारगेट उसने अपनी लाइफ में फिक्स किया है। चाहे उसको IAS बनना हो, या सिंगर बनना हो, या एक्टर बनना हो, या आर्मी ज्वाइन करनी हो, या फिर डॉक्टर बनना हो, कुछ भी करना हो, वो बंदा उस हार मानने वाले लिस्ट में हमेशा सबसे लास्ट में रहता है। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि जिसको दुनिया सबसे लास्ट में समझती है, वो सबसे लास्ट में नहीं बल्कि दुनिया के नंबर 1% एक स्पेशल लोगों में होता है। और इसी वजह से उसको लाइफ में वो सब कुछ मिल जाता है जो उन 99% लोगों के पास नहीं होता। जिस टारगेट को पाने के लिए 99% लोग ख्वाब देखा करते हैं, सेम उसी टारगेट को वो 1% बंदे हासिल कर लेते हैं जिन्होंने अपने 99% सुखों का त्याग कर दिया। 100% तो कोई भी नहीं होता, लेकिन परफेक्ट बनने का इरादा 100% होना चाहिए। और कुछ लोग तो उन 1% के भी 1% में होते हैं, लाखों में एक होते हैं, करोड़ों में एक होते हैं, पूरी दुनिया में गिने चुने लोग होते हैं, लेकिन उनकी शुरुआत वो उसी लिस्ट से होती है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी। जिंदगी में कुछ भी छोड़ने की हिम्मत कर लेना, बस हिम्मत छोड़ने की हिम्मत मत करना। जिंदगी में किसी भी हार को गले लगा लेना, लेकिन हिम्मत हारने की हार को कभी गले मत लगाना। अगर आपको दुनिया की 1% लोगों में आना है, तो उस माइंड सेट से बाहर निकलना पड़ेगा जिसमें आपके आसपास के 99% लोग फंसे हुए हैं। वो 99% लोग यही सोचते हैं कि जो काम आप कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कहता हूँ फर्क पड़ता है मेरे भाई। जो पत्थर नदी में गिरता है वो 1 महीने में चिकना नहीं होता, कई साल लगते हैं, लेकिन आप तो यार इंसान हो, और इंसानों में सक्सेस की चिकनाहट तो उसी दिन से आना शुरू हो जाती है जिस दिन से वो उन हार मानने वाले लोगों की लिस्ट में सबसे नीचे आ जाते हैं। जिद्दी होकर बैठ जाता है कि करना है तो बस यही करना है, चाहे हासिल कर पाऊं या ना कर पाऊं, वो बात की बात है। अभी की बात सिर्फ इतनी है कि जिस काम में मैं इतने दिन से लगा हूं, जो टारगेट लेकर मैं बैठा हूं, उस टारगेट के इरादे को घुटने नहीं टेकने दूंगा। और जिसके इरादे घुटने नहीं टेकते हैं ना, उन 1% लोगों के लिए दुनिया बहुत ताली बजाती है। आज से ये डिसाइड करो कि देश में अपने नाम के साथ साथ, अपने गाँव के नाम के साथ साथ, दुनिया में देश का नाम और ऊँचा करना है। धन्यवाद।